कोरोना काल के कारण व्यापारियों के शहर के बाहर पेमेंट लंबे समय से नहीं मिला है। मार्केट से 150 से अधिक व्यापारियों ने फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन से शिकायत की है कि बाहर से पेमेंट समय पर नहीं आ रहा है। चार राज्यों की मुख्य मंडियों में व्यापारियों के 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पेमेंट फंसा है। व्यापारियों ने शिकायत की है कि उन्हें कोरोना काल से पहले का पेमेंट नहीं मिला है। बाहरी मंडियों में पेमेंट फंसने से 150 से अधिक व्यापारियों ने फोस्टा को गुहार लगाई है। देश की चार मुख्य मंडियों में व्यापारियों के करीबन 100 करोड़ से अधिक का पेमेंट फंसा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मध्य प्रदेश में जबलपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद के व्यापारियों के बारे में कहा गया कि वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों को 6 माह से राशि नहीं मिली है तो कुछ के पास 2 साल पहले का पेमेंट बकाया है। व्यापारियों के फंसे पेमेंट बातचीत के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और कई मामलों में सफलता भी मिली है। देश के अलग अलग राज्यों में छोटी बड़ी मंडियों से कारोबार करने वाले कपड़ा बाजार के व्यापारियों को समय पर भुगतान न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भुगतान करने के लिए दबाव बनाने पर कई बार व्यापारी माल रिटर्न करने की धमकी देता है, 3-4 माह का पेमेंट कई बार 2 सालों तक नहीं मिलता है।